रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव चिन्ह लेने के लिए उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। जनपद में 22 और सरपंच 101 प्रत्याशियों ने निकाले फार्म। मैदान में बचे 436 प्रत्याशी। बेगमगंज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार को प्रतीक चिन्ह लेने के लिए जनपद सदस्य तहसील कार्यालय परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ जुटी। पूरा कार्यालय परिसर में मेले जैसा नजारा रहा। जनपद पंचायत के 18 वार्डों के लिए सदस्यों ने 113 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किए, जिनमें से 22 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए। वहीं जनपद की 18 वार्डों में से 91 प्रत्याशी मैदान में रहे। वहीं विकास खंड की 65 ग्राम पंचायतों में से 445 नामांकन जमा हुए थे, जिनमें से 101 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। अब मैदान में रहे 345 सरपंच पद के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं एक सरपंच प्रत्याशी का नामांकन कम उम्र के चलते निरस्त कर दिया गया, जिसकी उम्र कम थी इस वजह से उसको निरस्त कर दिया गया। वर्ण अक्षर के अनुसार मिलता है चिन्ह। प्रत्याशियों के द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद अब चुनाव मैदान में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशी मैदान में हैं। तहसील मुख्यालय में प्रतीक चिन्ह लेने के लिए सुबह से ही प्रत्याशियों की भीड़ जुटी रही। रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक ऑफिसर इस प्रक्रिया में शुक्रवार रात्रि से ही लगे रहे। निर्वाचन प्रभारी अशोक शर्मा ने बताया है कि प्रत्याशियों के नाम वापसी होने के बाद चयनित प्रत्याशियों की सूची चुनाव आयोग को भेजनी पड़ती है। उसके बाद ही आवंटन प्रतीक चिन्ह हिंदी के वर्ण अक्षर के अनुसार ही ऑटो जनरेट होती है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं रहती। प्रत्याशियों ने अपने आवंटित प्रतीक चिन्ह की सूची का अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने बताया है राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी कार्य